तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लीज थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर द सेपरेशन के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। अनुभक्त गवाह ये पढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड के स्टार्ट में देखने को मिलता है जो तोशिरो होता है वो खड़ा होता है और उसको देख के ये लोग शॉक में होते हैं। इकागु जो होता है वो कह रहा होता है कि इसकी स्पिरिचुअल प्रेशर तो बहुत पहले ही गायब हो गई थी, क्या इसीलिए कि ये मर चुका था? पर ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। वो एकदम से आगे बढ़ता है और इकागु किसी तरह डिफेंस कर पाता है। उसका एक पैर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। उतने में जो कैप्टन होता है आगे बढ़ता है, इकागु के पीठ पे मारता है, तलवार से उसको काटना शुरू कर देता है। दूसरा वाला उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है इकागु को बचाने की, लेकिन उसके पैर से मारता है, उसको पूरी तरह से क्रश करके इन दोनों को गिरा देता है। उतने में ही कैप्टन म्यूरी जो होता है वो आ जाता है, उसको काटने की कोशिश करता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि तेरी जो मूव्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे तू जिंदा रहता था तब, यानी कि तेरे जस्ट मरने से पहले ही तुझे ज़ॉम्बी बना दिया गया था। और ये बिल्कुल सही बात होती है, जैसे ही मरने वाला होता है उससे पहले ये ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसके वजह से जो इसके मूवमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एकदम बचे होते हैं। देखने को मिलता है अरंकार जो होता है उसको लगता है वो तोशिरो को हरा सकता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है ज़ॉम्बी गर्ल है, मैं तेरे इस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दूंगा। वो तोशिरो पर अटैक करने वाला होता है। म्यूरी जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में देखने को मिलता है तोशिरो जो होता है वो काट के बीच से उसको अलग कर देता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं बचाने वाला हूँ, ये तेरा बेवकूफी थी कि तूने अपने बियॉन्ड कैपेबिलिटी वाले इंसान के सामने जाके खड़ा हो गया। और तोशिरो जो होता है उसके लेवल का बिल्कुल नहीं होता है, वो कह रहा होता है कैप्टन हिट्स गया, अब मैं अफ्रेड हूँ कि मैं तुझे इधर घूमने नहीं दे सकता, मेरे जो टेस्ट सब्जेक्ट हैं मैं उनको मारने नहीं दे सकता। हाँ, तेरे से बात करना वैसे ही फाना होगा क्योंकि तेरे को कोई बात मेरी समझ में आ नहीं रही होगी। और वो उसको हार्म करना चाहता है और कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि मैं तेरे ऊपर टेस्ट करूंगा और हमें वो सारी चीजें करनी होगी सेरेटिन को बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं। वो आगे बढ़ने लगता है, अपनी तलवार की मदद से तोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है। तोशिरो होता है किसी तरह डिफेंड करता है और वो बंकाई का इस्तेमाल करता है और देखने को मिलता है वो म्यूरी को क्रश कर देता है। और दोबारा से देखने को मिलता है दोबारा से वही मूवमेंट दिखाया जाता है। अगेन तोशिरो जो होता है डॉज करता हुआ जाता है म्यूरी के पास, उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लगातार अटैक करता रहता है। ये किसी तरह इसको रोकने की कोशिश करता है, कुछ चीजें बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी जो तलवार है वो सारी एंगल से देख सकती है, यानी कि तो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता। म्यूरी जो तोशिरो जो होता है वो अपने पैर से अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है। और अगेन देखने को मिलता है वो फिर से अटैक करता है, अपने बंकाई का इस्तेमाल करता है, उसको काट देता है, उसे मार देता है। लेकिन अगेन जो होता है इवेंट वो रिपीट हो जाता है। देखने को मिलता है कई बार ये जो सेम इवेंट होते हैं वो कई बार रिपीट हो चुके होते हैं। हर बार म्यूरी हारता है, लेकिन हर बार वो अगेन से वो सेम चीज रिपीट हो रही होती है। और तोशिरो को समझ में नहीं आ रहा होता और कह रहा होता है ये क्या चीज हो रही है मेरे साथ और तू क्या कर रहा है। और म्यूरी को समझ में आ जाता है कि जो ये है ये समझ सकता है, इसको एक्सपीरियंस हो रहा है इसके ड्रग्स का और उसका जो यूज है वो काफी अच्छे से चल रहा होता है। और बताने लगता है कि सुसाइड ड्रग के इस्तेमाल से इसका जो फास्ट है वो ये जो है बार बार फास्ट में जा रहा है और ये इसको मार तो दे रहा है लेकिन वापस वही चीज जो है वो रिपीट हो रही है। ये इसको जब भी मारेगा वो बैकवर्ड फॉल कर जाएगा और वापस अपने पास्ट में चला जाएगा। ये इसका इम्परफेक्शन ऑफ ड्रग का काम होता है। एक बार जब ये 10 बार से ज्यादा सेम चीजें कर लेगा इसको साइड इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस होने लगेंगे जो इसके बॉडी को 30 सेकंड के लिए पैरालाइज कर देंगे। और वो उसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल मूव नहीं करती है, वो नीचे गिरा होता है। और देखने को मिलता है म्यूरी जो होता है वो आगे जाता है, तलवार रहता है उसके गले में बसेड़ देता है। तोशिरो जो होता है पूरी तरह से गिरा होता है, वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी को पूरी पैरालाइज कर देता है। और उसके बाद एक ड्रग लेता है जिसके बाद उसको होने वाला होता है बहुत पेन। तोशिरो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ड्रग जो होता है उसके अंदर डाल देता है और वो बहुत तेज तेज चलाने लगता है। उतने में देखने को मिलता है जो बाकी के जो कैप्टन होते हैं जो मर चुके होते हैं और मोत्समोतो होती है वो तीनों ही आ जाते हैं और उनकी हालत खराब होती है। और उतने में ही अरंकार जो होते हैं उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं और वो लड़ने लगते हैं। उधर देखने को मिलता है बयाकुया तीन लोग जो होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। बयाकुया सबको डॉज करता रहता है, एक करके सबको मारता रहता है, हराता रहता है और तीनों की जो होती है हालत खराब रहती है और तीनों को क्रश कर देता है। जो ये बुड्ढा होता है बयाकुया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। बयाकुया जो होता है वो अपने बंका का इस्तेमाल करता है सेंजन बाकुरा कागेयोशी का और उसके बाद उसकी गोली को भी क्रश करता है और साथ साथ उसे भी। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो वहाँ हार चुके होते हैं। उधर देखने को मिलता है जो दो लोग होते हैं वो आगे आने वाले होते हैं और कह रहा होता है जो एस नॉड है उसने इसको हरा दिया था लेकिन ये तो काफी ज्यादा टफ लग रहा है। जो पेपे होता है वो पूरी तरह से गायब हो रखा होता है, पता चलता नहीं है। उतने में देखने को मिलता है लेफ्टिनेंट जो होता है वो आता है लेकिन वो अपनी तलवार की मदद से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। बेगैया कहता है आखिर तू कर क्या रहा है, और बेगैया के ऊपर बार बार तलवार से अटैक कर रहा
रहा होता है, वो एनिमी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा होता है और पेपे जो होता है वो पीछे से आ गया होता है। पेपे जो होता है वो किसी की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और वो वही कर रहा होता है। वो अपने ही साथियों को कंट्रोल करता है और दूसरा साथी को मारने की तैयारी में रहता है और उसे मार रहा होता है। उसने में जो ये ल्यूटनेंट होता है वो बेगैयों के ऊपर अगेन अटैक करने लगता है, हालांकि वो कोई फायदा नहीं होता है। वो एक बार तलवार के बैक से मारता है, उसे मार के बेहोश कर देता है। पेपे जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है बेगैयों के ऊपर, लेकिन बेगैयों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके दिल के अंदर कोई भी लव जैसा चीज होती नहीं है और वो सारी चीजें वो कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जो उसकी तलवार होती है वो कंट्रोल में आ जाती है पेपे के, और वो जो तलवार होती है बेगैयों के हाथ पे अटैक कर देती है। बेगैयों खुद को किसी तरह से डिफेंड करता है और वो बच जाता है। बेगैयों को उस तलवार को उठा के वो दीवार में अटका देता है। ल्यूटनेंट जो होता है वो दोबारा से उठ जाता है, तलवार को भी ले लेता है और अटैक करने लगता है बेगैयों के ऊपर। बेगैयों किसी तरह से डिफेंड कर रहा होता है, लव किस अटैक मारता है, लेकिन बेगैयों को अगेन कोई फर्क पड़ता नहीं है और ये अपने कपड़े को गायब कर देता है। वो एक इनोसेंट बेबी जैसा होता है और कह रहा होता है कि मैं तब तुझे लव करना सिखाऊंगा। उसके अंदर तीन जो रस्सियां होती हैं वो डाल देता है लव वाली। वो रोकता है ल्यूटनेंट को और कह रहा होता है तो इसे नहीं मारेगा, मैं इसे मारूंगा अपने प्यार से। और वो तीर चलाने ही वाला होता है, उतने में देखने को मिलता है जो कैप्टन होता है वो आ जाता है। लेकिन ये लोग होते हैं थोड़े से डिफरेंट और ल्यूटनेंट को ही मार के नीचे गिरा देते हैं, बेहोश कर देते हैं। तलवार उठाता है, बेगैयों को ला के दे देता है और म्यूरी वहां पे प्रेजेंट होता है। म्यूरी को देख के ये पूछ रहा होता है अगर तू ये कर क्या रहा है, और दोनों ही जो हमारे कैप्टन है उनके साथ उन्हें क्या किया है ये बता रहा होता है कि ये दोनों कंट्रोल थे दूसरों के द्वारा और इसने इनके अंदर इंजेक्ट किया अपना ब्लड और ड्रग, और उससे क्या था इनकी जो ब्लड की मॉर्फोलॉजी थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी, जिसके बाद इनको पेन एक्सपीरियंस हुआ लेकिन अभी मेरे कंट्रोल में है। और वो जो ब्लड सैंपल थे जो उस लड़की ने डाले थे इसके अंदर, उनको गायब करके अपने वाले ब्लड सैंपल से रिप्लेस कर देता है और बोलने लगता है अब से तेरे जो ज़ॉम्बीज हैं वो मेरे ज़ॉम्बीज हो गए हैं और तू यहां आ चुकी है। और उसके बाद देखने को मिलता है उतने में कैप्टन जो होता है जाता है, उसके तलवार में सिकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। बेगैयों कहता है कि तू इनको शांति से मरने दे सकता था लेकिन तू फिर भी इनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ब्यूरी जो होता है वो कहता है कि हम दोनों के ओपिनियन इस चीज में अलग है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो 13 कोड गार्ड के स्क्वाड के लोग हैं उनका इस्तेमाल उनके डेथ के बाद भी किया जा सकता है अगर सेरेटेन को बचाने की बात होती है। पेपे जो होता है वो दोबारा से खड़ा होता है, वो अटैक करता है। उतने में देखने मिलता है जो कैप्टन होता है वो उठता है और उसको लगातार मार रहा होता है पंच पे पंच, और उसे मार मार के नीचे गिरा देता है। उसकी हालत बिल्कुल ही खराब होती है। उतने में देखने को मिलता है जो उसका साथी होता है लिटटो, वो कह रहा होता है कि तूने हम दोनों को एक दूसरे से लड़वाया, मेरी हालत देख ऐसी हो गई है लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो अपना अटैक इसमें मारने ही वाला होता है और उसी के साथ दूसरी तरफ देखने को मिलता है युहा, इशिदा और ये तीनों जो होते हैं ये पहुंच चुके होते हैं अब रॉयल पैलेस में। और इनके पहुंचते ही वो जगह देखते ही जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड था यार, काफी ज्यादा अमेजिंग था और काफी ज्यादा बढ़िया था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।